हेलो फ्रेंड्स, आज के जो इस वीडियो में जो देखने वाले हैं, आपका जो भी अगर कोई ड्राइंग और कोई भी अगर आपके स्क्रीन पे जो है उसके पर्टिकुलर पोर्शन को कैसे कॉपी करके दूसरे में अगर पेस्ट करना है। जैसे अभी इतना बड़ा ड्राइंग है, जैसे कि ये बहुत बड़ा ड्राइंग है, अगर किसी को अगर आपको समझा नहीं, इतनी पोर्शन है उनके समझाना पड़ रहा है, उनको भेजना पड़ रहा है, तो यार पूरा ड्राइंग अगर अपने प्रिंट स्क्रीन तो एक कर सकते हैं। जैसे कि एक तो ऐसे प्रिंट स्क्रीन होता है, जैसे कीबोर्ड में ये प्रिंट स्क्रीन भी होता है, तो ये करेंगे तो ये क्या होता है कि ये पूरा आपको कॉपी हो जाएगा। जैसे पूरा फिर भी आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है, तो ये पूरा तो भेजेगा तो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर इतना इतना जूम करेंगे तभी ये सब दिखेगा आपको, ठीक है। इससे बढ़िया आपको सिर्फ इतना ड्राइंग ही भेजना है पर्टिकुलर पोर्शन, उसके लिए क्या करना है, उसका एक स्निपिंग टूल है, ठीक है, उसका एक शॉर्टकट है आपका विंडोज शिफ्ट यस, ये दबाएंगे, ठीक है। अभी आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, जैसे कि ये आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं एक्चुअली यहीं पे दबा देता हूँ, ओ सॉरी, मैं मेरा स्क्रीन पे ये कर लेता हूँ का विंडोज शिफ्ट यस, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इससे ये वाला करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे एक प्लस मार्क आएगा, तो उस प्लस मार्क से आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना सेलेक्ट कर लिया, ये आपके पास कॉपी हो गया अगर, ठीक है, मतलब क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया, आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे व्हाट्सएप में पेस्ट करनी है, ठीक है, वैसे व्हाट्सएप में भी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो मेल पे भी इतना पेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिंटआउट में भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, कि सिर्फ पिक्चर पिक्चर दिखेगा तो एकदम बिल्कुल क्लियर दिखेगा, जैसे इसमें दिख रहा है, जैसे ये क्लियर दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर सिर्फ ये पीडीएफ जैसे ये मेल पे करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो इसका प्रिंटआउट भी आपका पिक्चर टाइप इजीली आ जाएगा और थोड़ा बड़ा आ जाएगा, तो इसमें सारे क्लियर दिख जाएगा। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर ड्राइंग के लिए नहीं है और कहीं पे भी आप कुछ, ठीक है, ये तो ड्राइंग के लिए तो कुछ इंजीनियर्स के लिए यूज़ हो गया, जनरल यूज़ के लिए कोई भी आपने वेबसाइट देख रहे हो, कुछ भी यहाँ पे देख रहे हो कि आपका दोस्त को बोलना है यार ये वो वेबसाइट के अंदर चले गए कहाँ पे क्लिक करना है, अगर वो बोलना पड़ रहा है उसको, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करनी है, विंडोज शिफ्ट यस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये कीबोर्ड के साथ ही आ रहा है, क्योंकि मैंने ये आपको कीबोर्ड दिखाने के लिए करा था इसलिए, ठीक है। नहीं तो अभी यहाँ पे रख लेता हूँ, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ विंडोज शिफ्ट यस, ये कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्लिक करके तो आप इतना कर सकते हैं, फिर आपको किसी को भी जो भेजना हो तो उनको आप भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके जैसे कंट्रोल वी कर देंगे, नहीं तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो कंट्रोल वी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये पिक्चर आ जाएगा जो आप भेजना चाह रहे हो, ठीक है। ये तो रेक्टेंगुलर जो पर्टिकुलर पोर्शन को जो कॉपी करने के रेक्टेंगुलर में आ रहा है ना, तो इसी चीज़ को आपको इसी चीज़ को आपको मतलब जो शेप है वो इरेगुलर शेप में कैसे करना है वो देखेंगे। जैसे कि अब सेम बटन में दबा रहा हूँ, विंडो शिफ्ट यस दबा दिया तो ये आ गया, ठीक है। ये करेंगे तो टोटल आपका स्क्रीन ही ये होता है, ठीक है, विंडो शिफ्ट यस पे दबा रहा हूँ, ये करेंगे तो ये भी सेम चीज़ है, और जो इरेगुलर पोर्शन है तो ये करना पड़ेगा आपको, जो हार्ड शेप है ना ये जो है, इसे करके क्या करना पड़ेगा, जैसे आप जैसे का वैसे भी कर सकते हो, जैसे हार्ट शेप करनी हो, नहीं तो कुछ भी जैसे कर सकते हैं आप, नहीं तो आपको इतनी पोर्शन करनी है मेरे को, ठीक है, मतलब इरेगुलर शेप कुछ भी इसमें हो सकता है, इरेगुलर शेप जो भी बना के, ठीक है, आप इसमें भेज सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कर रहा हूँ, जैसे एक आर्ट का शेप में ये कर देंगे, ये अगर ये हो जाएगा आपका क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया, तो आपको जहाँ पे भी अगर पेस्ट करना हो तो यहाँ पे जाके आप जैसे ये पेस्ट कर सकते हो, जो उतना ही पोर्शन आएगा, ये बाकी सब आपको जो यहाँ पे वाइट वाइट दिखेगा जैसे कि, ठीक है दोस्तों। ये आज के दिन में बताना था, जो ये जो शॉर्टकट है इसकी आपको जो यूज़ करना पड़ेगा, विंडोज शिफ्ट यस, ये जैसे आपका प्रिंट स्क्रीन भी, जैसे प्रिंट स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें टोटल आएगा, लेकिन इसमें पर्टिकुलर पोर्शन को कैसे कॉपी करके उसमें कहीं पे भी आपका पेस्ट करके किसी को भेज सकते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। इसके नाम है स्निपिंग टूल है वैसे, जो अगर यहाँ पे आप ढूंढेंगे भी तो स्निपिंग टूल आएगा, उसी से भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में जो है पीडीएफ को, जो पीडीएफ में जैसे पेजेस इंसर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी पेज इंसर्ट करना है, मतलब कोई पर्टिकुलर पेज को डिलीट करना है, नहीं तो यहाँ से हटा के दूसरे में ये करना है, नहीं तो इंसर्ट करना है बीच में इंसर्ट करना है, नहीं तो दो चार फाइल को मर्ज करना है, सारी चीज़ बताएंगे पीडीएफ में क्या क्या। उसके अलावा एडिट कैसे कर सकते हैं, कोई अगर चीज़ आपको जो है कोई टाइपिंग उसमें कोई डायमेंशन है कुछ भी हो, नहीं तो उसमें कुछ वर्ड को कोई सेंटेंस हो उसमें गलत हो गया, वो कोई सेंटेंस को कैसे उसमें डिलीट करके उसमें कैसे टाइप करेंगे नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।